दोस्तों एक बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है। कल से काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेज चुके हैं जहां पर एक बस का एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है, कुछ लाशें भी पड़ी हैं, बहुत सारे लोग घायल बैठे हैं और बहुत सारा खून भी बिखरा हुआ पड़ा है रोड पर। वीडियो यहां पर दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है लाशें खून वगैरह दिखाना। ये वीडियो कहाँ का है? ये वीडियो सऊदी अरब से आया है। सऊदी अरब में उमरा करने जा रहे लोगों की बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और 45 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसे का जो लोग शिकार हुए हैं वो मिस्र और सूडान के हैं। ये लोग उमरा करने गए थे, बस में सवार होकर ये जा रहे थे, एक ट्रक से बस टकरा जाती है जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है और 45 लोग घायल भी हुए हैं। ये बस अलजहरा रोड से होती हुई मक्का से मदीना शरीफ जा रही थी। मदीना शरीफ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर इस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक से टकराती है और ये बस पलट जाती है। इस बस की हालत देखिए कैसी हो गई है, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें 8 लोग मौत हो गई और 45 लोग घायल हो गए। मदीना शरीफ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर यूतामा शहर है, ये घटना उसके आसपास की बताई जा रही है। तो काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ है सऊदी अरब के अंदर जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 45 लोग घायल हो गए। हादसे का जो लोग शिकार हुए हैं वो मिस्र और सूडान के लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल अगली खबर जो है वो फ्रांस से आ रही है। फ्रांस के अंदर एक बार फिर से इमैनुअल मैक्रो की सरकार बन गई है। फ्रांस के अंदर हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था, कल तक वहां पर काउंटिंग जारी थी। देर रात खबर ये आती है कि इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस का राष्ट्रपति पहले था वही दोबारा से फ्रांस का राष्ट्रपति बन गया। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि फ्रांस के अंदर दोबारा से कोई राष्ट्रपति सत्ता में वापस आया है। इमैनुअल मैक्रो ने मरीन ली पेन को कड़ी टक्कर देते हुए हरा दिया। ये वही औरत है, इसके बारे में मैंने आपको एक बार बताया था रिपोर्ट में, जब ये इलेक्शन शुरू होने वाला था इसने ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार फ्रांस के अंदर आती है तो सबसे पहला काम हम हिजाब पर प्रतिबंध लगाना करेंगे, क्योंकि फ्रांस के अंदर लोग उस सरकार को ज़्यादा पसंद करते हैं, उस नेता को ज़्यादा पसंद करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होता है। तो इस औरत ने ऐलान कर दिया था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है, इमैनुअल मैक्रो को हम हरा देते हैं, तो सबसे पहला काम हम हिजाब पर प्रतिबंध लगाएंगे। अगर प्रतिबंध लगाने के बाद कोई महिला यहाँ पर हिजाब पहनती है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा हमारी सरकार बनने के बाद। लेकिन ये मोहतरमा जो है चुनाव हार चुकी है, इमैनुअल मैक्रो एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये फ्रांस का राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रो है ये भी गुस्ताख रसूल है। आपने देखा होगा पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जब कार्टून बनाया गया था फ्रांस के अंदर, तो इसने खुले तौर पर समर्थन किया था उसका। तो फिलहाल वहाँ के लोगों ने एक बार फिर से इसी को चुना क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है कि शायद इमैनुअल मैक्रो जो है ना वो ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।